कान्हा की नगरी मथुरा के फरहत थाना इलाके में गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चारों चोर लूट की घटना में वांछित थे। उनके कब्जे से लूटी गई बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। दरअसल 20 मई को धर्मपुरा गांव निवासी बाइक सवार जितेंद्र को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी। हाथ में गोली लगने से जितेंद्र घायल होकर सड़क पर गिर गया था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश उसकी बाइक लूटकर फरार हो गए थे। जितेंद्र ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तभी से बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। इस बीच गुरुवार की देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें राजस्थान के चिकसाना थाना क्षेत्र के गाँव पीपला निवासी जितेंद्र और कमल पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस ने राजस्थान के ही अटलगंज निवासी कपिल और मथुरा के चोमुहा निवासी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 20 मई को थाना फरा के ओल चौकी क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार के ऊपर फायरिंग करके उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी, जिसमें उसके हाथ में गोली लगी थी। इस घटना के अनावरण के लिए थारा पुलिस सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीमें लगी हुई थी। आज जरिए मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट इस रास्ते से होने वाला है। इसी प्रत्याशा में हमारी टीमें यहाँ लगी हुई थी और जब 2 मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते दिखे तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा सीधा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोलियां लगी हैं। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 1 बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गया है। घायल बदमाश का नाम जितेंद्र और कुलदीप है, जो चिकसाना के रहने वाले हैं, और जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम गोपाल और कपिल है। 1 बदमाश जो फरार है उसके लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बदमाशों के पास से 2 मोटरसाइकिल ये बरामद हुई हैं।